वेल, ये है माइनक्राफ्ट का एक नॉर्मल ज़ॉम्बी जिसका कोई भी डर नहीं है, लेकिन क्या होगा जब इसकी जगह हमारे पीछे पड़ जाए माइनक्राफ्ट के हजारों ज़ॉम्बीज। और हमारा तो छोड़ो, टेक्नो गेमर्स का कासल भी जब तबाह होने की कगार पे खड़ा हो तब क्या ही कर लोगे आप। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे वायरल डिफेंस हैक्स जिससे मैं खुद को तो बचा ही पाऊँ और साथ के साथ ही टेक्नो गेमर्स का कासल भी बचा पाऊँ। तो आज मैं खुद को और टेक्नो गेमर्स के कासल को बचा पाता हूँ या नहीं, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर रखा तो जल्दी करो और आ जाओ वीडियो के अंदर। तो सामने है टेक्नो गेमर्स का कासल और यहाँ पर थोड़ी बहुत फेंसेस से पहले ही प्रोटेक्शन कर रखी है और एग्जैक्टली इस जगह हम सारी डिफेंसेस अपने ट्राई करने वाले हैं। और जो आपको सामने जगह दिख रही है वहाँ से आएगी भाई ज़ॉम्बीज की बारात। तो उनके आने से पहले जल्दी से हम ट्राई कर लेते हैं हमारे डिफेंस हैक। तो पहला डिफेंस हैक क्या होने वाला है चलो देखते हैं। तो इस हैक के मुताबिक अगर हम अपनी फेंसेस को डायगोनली लगाते हैं तो बेबी मॉब्स तो बाहर आ सकते हैं लेकिन बड़े मॉब्स बाहर नहीं आ सकते। लेट्स गो भाई, ज़ॉम्बीज के लिए भी इसको ट्राई करना पड़ेगा। तो हम इस कोने पर से फेंसेस लगाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ट्राई करने वाला हूँ अलग अलग कलर की फेंसेस। यार दिखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए डिफेंस। वेल, ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और आधा रास्ता तो हम कवर कर ही चुके हैं। एंड आधा रास्ता और कवर करने के बाद ये डिफेंस है कुछ ऐसा दिखता है। दिखने में तो काफी बढ़िया है लेकिन दिक्कत ये है कि मैं इसके आर पार बड़ा इजीली जा पा रहा हूँ। ज़ॉम्बीज आएंगे तभी पता चलेगा ये कितनी काम की चीज है। तो जो दूसरा डिफेंस है कि उसमें एक स्नो गोलम का टावर बना रखा है जो कि भाई ज़ॉम्बीज की बैंड बजा रहा है। इसको तो हम भी यूज करने वाले हैं भाई। आपको सबसे पहले कोई भी रैंडम ब्लॉक्स का यूज कर चार ब्लॉक्स का एक पिलर बनाना है। देन आपको वॉल्स का यूज कर उसको चारों तरफ से कवर कर देना होगा। अब जो आपने वॉल्स लगाई थी उसके ऊपर आपको रख देनी है सोल सैंड। भाई मैं सोल सैंड का क्यों यूज कर रहा हूँ वो आपको आगे वीडियो में खुद पता चल जाएगा। देन जो सोल सैंड के बीच में एक ब्लॉक का गैप है वहाँ पर आपको तीन ब्लॉक्स लगाने हैं। देन उसकी साइड में स्टेयर्स को लगाकर बीच वाले ब्लॉक्स को आपको तोड़ देना होगा। और अब आपका जितना भी मन हो उतने स्नो गोलम्स को स्पोन कर दो। मैं टोटल 10 आइस गोलम स्पोन करने वाला हूँ। तो ये हो जाने के बाद फ्लिंट की मदद से आपको सारे सोल सैंड में आग लगा देनी होगी। एंड फिर इसके बाद आपको डेकोरेट अगर और करना है तो आप नीचे स्टेयर्स भी लगा सकते हो और मैं तो बैनर्स का भी यूज करने वाला हूँ। अब लग रहा है ना एकदम एपिक टावर। और टावर की साइड में आपको ब्लॉक्स दिख कर लावा भर देना होगा ताकि जिससे ज़ॉम्बीज बच ना पाए। और यही चीज बिल्कुल मैंने साइड में भी कर दी, मतलब दो दो टावर बना दिए मैंने। बस अब ज़ॉम्बीज का वेट करना है और देखते हैं कि ये कितनी तबाही मचाता है। और तबाही की बात चल रही है तो हमारा थर्ड डिफेंस हैक भी देख ही लेते हैं। ओ भाई साहब, फ्लेम थ्रोवर तो एक एपिक आइडिया है, इसको भी बनाते हैं भाई जल्दी से। वेल, इनको लगाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डिस्पेंसर ही तो लगाने हैं। लेकिन उस वीडियो की तरह मैं जमीन में नहीं लगाने वाला डिस्पेंसर। एक काम करते हैं, एक फैंस छोड़कर लगाते हैं। तो हर एक फैंस छोड़कर मैंने सारे डिस्पेंसर्स लगा दिए हैं और उस डिस्पेंसर के अंदर हम रखने वाले हमारे फायर चार्जेस। एंड अब सिंपली हम उन डिस्पेंसर्स के सामने हमको प्रेशर प्लेट रखनी है। वेल, अब देखो भाई एकदम रेडी हो चुका है और ये बहुत धमाकेदार लग रहा है। ज़ॉम्बीज की बैंड बज जाएगी। एंड यार मैं आपको एक बहुत जरूरी बात तो बताना ही भूल गया भाई, ज़ॉम्बीज की दो वेव आएंगी तो मैं जल्दी से और तैयारियां कर लेता हूँ, पता नहीं भाई वो कब टपक जाएं। तो सबसे पहले तो मैं अपने खुद के लड़ने के लिए इंतजाम करता हूँ, जैसे सोर्ड और आर्मर्स हो गए हमारे। तो इसके लिए मैं इस छोटे से रूम में डिस्पेंसर का सेटअप करूंगा। सारी साइड डिस्पेंसर लगाने वाला हूँ और फिर डिस्पेंसर में रखने वाला हूँ तगड़े नेदराइट के आर्मर्स और एक नेदराइट की सॉर्ड भी रखी देते हैं। और लास्ट में एक नीचे रेडस्टोन लगाना है और किसी भी डिस्पेंसर के ऊपर एक बटन लगाना होगा। अब जैसे मैं बटन क्लिक करूंगा वैसे मैं एकदम इक्विप्ड हो जाऊंगा, है ना तगड़ी चीज। और साइड में ही चेस्ट के अंदर एक क्रोसबो और बहुत सारे रॉकेट्स भी रख देते हैं। आगे देखना क्या तबाही मचाता है तुम्हारा भाई। और एक बात पहले ही सुन लो भाई, लड़ाई के वक्त मैं कोई क्रिएटिव मोड यूज नहीं करने वाला, नो चीटिंग। और कुछ ही देर रात हो चुकी है यहाँ पर, लगता है कि अब आने वाली है ज़ॉम्बीज की वेव। और भाई जरा इस टेक्नो गेमर्स का कासल तो देखो, रात को कितना प्यारा लगता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही अंधेरा हो रहा है तो अपने पास एक नाइट विजन का पोशन भी रख लेते हैं, आगे काम आएगा। तो लो भाई बजर भी बज चुका है और ये आ गई ज़ॉम्बीज की बारात। भाई कितने सारे हैं, मैं तो सीधा भाग कर गया डिस्पेंसर वाले रूम में और अपने आप को इक्विप्ड कर लिया। सारे नेदरराइट के टूल्स मेरे पे थे, स्वॉर्ड भी थी, लेकिन यार ज़ॉम्बी बेबीज ने मेरी बैंड बजा दी। सच में यार इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल है, मैं तो भाग गया सामने सीधा टावर के अंदर, बच गया फाइनली। और यार मैं अपना सामान भी नहीं निकाल पाया चेस्ट में से। लेकिन चिंता क्यों करते हो यार, मैंने यहाँ पर पहले से एक सीक्रेट चेस्ट रख रखी है जिसके अंदर नाइट विजन का पोशन है, क्रोस
क्रॉसबो है और हमारे रॉकेट्स हैं और हमारे फायर चार्जेस भी अच्छा काम कर रहे थे, काफी ज़ॉम्बीज को जला दिया। और जो हमारे स्नो गोलम्स थे भाई वो भी एक नंबर काम कर रहे थे, और जो नीचे लावा लगा रखा था भाई आधे से ज्यादा ज़ॉम्बी वहीं जलकर मर गए। तो अब बारी आती है क्रॉसबो की, भाई रंगीन पटाखे इनके मुंह पे फोड़ रहा हूं मैं। अब बेचारे गिने चुने ही बचे हुए हैं, कितने सहारे आए थे, और जो बचे कुछ हैं उनको मेरी फायर वर्क और क्रॉसबो ने मजा चखा दिया। वेल मजा आ गया भाई इनसे लड़के तो, लेकिन यार छोटू कहाँ से आ गया वापस? माँ कसम यार इससे लड़ना बड़ा ही मुश्किल है। किस किस को इससे लड़ने में मुश्किल होती है मुझे नीचे जरा कमेंट में बताओ यार। तो चलो भाई अपनी जीत की खुशी भी तो बना ले, फर्स्ट वेव हमने बड़ी आसानी से पार कर दी है और सेकंड वेव आने से पहले थोड़ी और तैयारियां कर लेते हैं। तो बाकी हैक्स देखने से पहले मैं दो सिंपल से ट्रैप बनाने वाला हूं। एक तो भाई हम सैंड और टीएनटी वाला ट्रैप बनाएंगे। सबसे पहले 3 ब्लॉक्स डिग करने हैं, देन हमको बीच में टीएनटी रखना है और उसके ऊपर सैंड प्लेस कर प्रेशर प्लेट से कवर कर दो उसको। अब क्या ज़ॉम्बी जैसे ही ऊपर आएगा पहले तो बेचारा वो गड्ढे में गिरेगा और फिर ब्लास्ट होकर मर जाएगा, भाई बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये चीज मैंने 5-6 जगह कर दी है, बहुत काम आएगी। और एक काम करते हैं स्टेयर के पास थोड़ा बहुत लावा डाल देते हैं ताकि कोई पार ना आ सके, बस इतना बहुत रहेगा। अब देखते हैं हमारे न्यू हैक्स। वेल इस हैक के मुताबिक बेचारे सारे ज़ॉम्बीज स्नो के अंदर गिर जाएंगे सिर्फ इन टर्टल एग की वजह से, क्योंकि भाई जो हमारे ज़ॉम्बीज होते हैं उनको टर्टल एग बिल्कुल पसंद नहीं होते। तो सारे ज़ॉम्बीज आएंगे पहले स्नो के अंदर गिरेंगे और फिर जम कर मर जाएंगे। चलो भाई हम भी इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने 2 ब्लॉक्स को डिग कर दिया और एक लाइन सी बना दी। जो हमने लाइन बनाई है उसके अंदर हमको स्नो को प्लेस कर देना होगा, बस फिर क्या स्नो के सामने ही हमको टर्टल एग्स रख देने हैं। अब कोई भी ज़ॉम्बी आएगा ना बेचारे इस टर्टल एग की वजह से अपनी जान गंवा देगा। आई थिंक इतना सब भाई बहुत रहेगा ज़ॉम्बीज की फाइनल वेव के लिए, लेकिन वो जो छुटकू ज़ॉम्बीज होते हैं ना उनके लिए मेरे को थोड़े बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लाइन में बैरीज लगाने वाला हूँ, भाई बैरीज भी बहुत डैमेज देती हैं, और उन छुटकुओं की स्पीड स्लो करने के लिए मैं यहाँ पर कॉफ वेब भी लगा देता हूँ। अब काफी ठीक महसूस हो रहा है। और हम एक और काम कर सकते हैं, पफर फिश का भी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि पफर फिश सिर्फ जमीन के अंदर रहकर भी आपको डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर हमको बस एक ब्लॉक का गड्ढा खोदना है और उसमें पफर फिश डाल देनी है और ये बाहर ना निकले इसके लिए आप ट्रैप डोर रख सकते हो। ऑल सेट भाई, अब थोड़ा दमदार लग रहा है हमारा डिफेंस, और बस अब वेट करते हैं थोड़ा सा ज़ॉम्बीज की फाइनल वेव के लिए। 6.5 hours later फाइनली भाई वो टाइम आ चुका है। इस बारी बहुत सारी भसड़ आ रही है इनकी और मैं तो भागने वाला हूँ सीधा, लेकिन जो हमारा टीएनटी वाला ट्रैप था भाई उसने बहुत जबरदस्त काम करा है, कितने सारे ज़ॉम्बीज को डैमेज पड़ा है। और जो हमारे फ्लेम थ्रोअर्स थे भाई उन्होंने भी बच्चों की जान सी ले ली थी। तो मैं तो गया सीधा अपने डिस्पेंसर वाले रूम में, वहाँ से सीधा इक्विप्ड हो गया और चढ़ गया अपने टावर पर क्योंकि वहाँ से एक अच्छा व्यू मिल रहा है, और अपनी क्रॉसबो और फायरवर्क्स निकाले ऊपर से खड़े खड़े बेचारों के मुंह पे पटाखे बजाना स्टार्ट कर दिए। एंड यार मैंने उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन स्नो ने इतना बढ़िया काम करा है ना, इतने सारे ज़ॉम्बीज इसने यहीं रोक रखे हैं और हमारे स्नो गोलम्स भी किसी से कम है क्या भाई? ये ऊपर से बहुत डैमेज कर रहे हैं ज़ॉम्बीज को। तो बस भाई इनका खेल खत्म हो चुका है, ये गिने चुने बचे हैं जिनको भी मैंने मार दिया, और मैं आगे चेक करने ही जा रहा था तब मेरे को पता चलता है भाई इस गड्ढे के अंदर इनकी भरमार भरी पड़ी है, अभी बेचारे सारे यहीं गिर गए और इनको भी ऊपर से खड़े खड़े फायरवर्क ने मजा चखा दिया। और जो एक्सपी मिली है ना फिर मेरे को बस पूछो मत यार। और हाँ भाई हम फाइनली जीत चुके हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो इसी बात पर भाई खुशी पे पटाखे तो फोड़ने चाहिए ही ना, क्योंकि हमारे टेक्नो गेमर की कासल को थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई है। इसी बात पर नीचे लाइक हो जाना चाहिए। तो बस भाई आज के लिए इतना काफी रहेगा, और आपको टेक्नो गेमर्स के वर्ल्ड की लिंक चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।